सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ कंपैरिजन सीरीज की एक नए एपिसोड में। इस सीरीज में हम अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के 155 mm कैटेगरी की दो आर्टिलरी गन्स के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। मुझे काफ़ी बार सजेशन दिया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्टिलरी गन्स के बीच एक कंपैरिजन वीडियो बनाओ। वैसे तो दोनों ही कंट्री अलग अलग कैलिबर के काफ़ी सारे गन्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक एक करके उन सब के बारे में बात करेंगे। हम एक ही वीडियो में सिर्फ दो ही गन्स को कंपेयर करेंगे ताकि इनको बारीकी से कंपेयर कर सकें। आज हम इंडिया की धनुष आर्टिलरी गन्स के साथ पाकिस्तान की M198 आर्टिलरी गन्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले धनुष आर्टिलरी गन से शुरुआत करते हैं। धनुष एक 155 mm कैटेगरी की टाउड आर्टिलरी गन है, जिसे इंडियन आर्मी की 105 mm की फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और रशियन ओरिजिन 122 mm की आर्टिलरी गन्स को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन गन्स को वोफर गन से डिराइव किया गया है। धनुष गन्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा 2010 से 2013 के बीच डिजाइन किया गया है और इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन 2015 से शुरू किया गया था और अभी तक करीब 18 गन को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है और इन गन्स को अभी अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है। पहले किए गए प्लान के मुताबिक करीब 114 धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाने वाला था, लेकिन अब शायद एडिशनल 400 धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट करीब 14 से 15 करोड़ के आसपास की है। अब M198 आर्टिलरी गन्स के बारे में बात करते हैं। M198 एक US ओरिजिन 155 mm कैटेगरी की मीडियम साइज टावर्ड आर्टिलरी गन है, जिसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी और US मैरिन कॉर्प के लिए डिजाइन किया गया था। इन गन्स को 1968 से 1977 के बीच डिजाइन किया गया था और इन गन्स को रॉक आइलैंड आर्सेनल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन 1978 से 1992 तक किया गया था और इस तरह के करीब 1600 गन को मैन्युफैक्चर किया गया था। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट करीब 3.7 करोड़ के आसपास की है और पाकिस्तान इसे करीब 124 गन को ऑपरेट कर रहा है। अब इन दोनों गन्स की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। धनुष का वेट करीब 12,000 kg है। इसकी पहले वेरिएंट का बैरल लेंथ 155 mm x 45 कैलिबर यानी कि करीब 22.9 फुट और रिसेंटली टेस्ट किए गए वेरिएंट का लेंथ 155 mm x 52 कैलिबर यानी कि करीब 26.4 फुट है और इसे ऑपरेट करने के लिए करीब 6 से 8 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। M198 का वेट करीब 7,154 kg है। इसका बैरल लेंथ करीब 19.98 फुट है और इसे ऑपरेट करने के लिए 9 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। धनुष एक 155 mm कैलिबर की आर्टिलरी गन है। इसमें स्क्रू टाइप ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल और मैग्नेटोरियोलॉजिकल रिकॉयल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। M198 भी एक 155 mm कैलिबर की आर्टिलरी गन है। इसमें इंटरप्टेड स्क्रू टाइप ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हाइड्रोन्यूमेटिक रिकॉयल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। धनुष का एलिवेशन -3 से लेके 70 डिग्री तक है। इसका ट्रैवर्स +25 से लेके -25 डिग्री तक है। वहीं पर M198 का एलिवेशन -5 से लेके 72 डिग्री तक है और इसका ट्रैवर्स +45 डिग्री तक है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो धनुष ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड्स को, इंटेंस मोड में 3 मिनट के अंदर 15 राउंड्स को और सस्टेंड मोड में 60 मिनट के अंदर 60 राउंड को फायर कर सकता है। M198 मैक्सिमम 1 मिनट में 4 राउंड्स को फायर कर सकता है और सस्टेंड मोड में 1 मिनट में 2 राउंड्स को फायर कर सकता है। रेंज की बात करें तो धनुष की पिछली वेरिएंट का रेंज 38 किलोमीटर था, जबकि रिसेंटली इसका 155 mm x 52 कैलिबर वेरिएंट का टेस्ट किया गया है क्योंकि 42 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं पर M198 की मैक्सिमम रेंज करीब 22.4 किलोमीटर तक है और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के साथ इसका रेंज 30 किलोमीटर तक हो सकता है। अब इन दोनों गन्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले दोनों की साइज की बात करते हैं। धनुष के मुकाबले M198 काफ़ी हल्का है, तो इसे आसानी से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी इसे आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस है। एलिवेशन के मामले में भी M198 धनुष के मुकाबले 2 डिग्री तक ज़्यादा एंगल के साथ फायर कर सकता है, लेकिन रेंज के मामले में धनुष काफ़ी बेहतर है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो M198 ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 4 राउंड को फायर कर सकता है, जबकि धनुष 15 सेकंड के अंदर ही 3 राउंड को फायर कर सकता है। लेकिन सस्टेंड मोड में धनुष 1 मिनट में एक ही राउंड को फायर कर सकता है, जबकि M198 सस्टेंड मोड में 1 मिनट में 2 राउंड को फायर कर सकता है।
इन दोनों ही गन्स की अपनी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं और इन दोनों गन्स में से आपको कौन सा गन अच्छा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो धनुष को ही विनर माना जाएगा क्योंकि M198 के मुकाबले काफ़ी एडवांस है और इसका रेंज भी M198 से लगभग दुगनी है। तो दोस्तों ये थी इंडिया और पाकिस्तान की दो 155mm कैटेगरी की आर्टिलरी गन्स के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।